हम दुखी क्यों हैं, सामने वाला सुखी क्यों है, ये सब प्रश्न ही आधा दुख बढ़ा देते हैं। दुख का कारण है जो पसंद है वो पास नहीं है, जो पास है वो पसंद नहीं है। हमारी इच्छा ही हमारे दुख का कारण है। मैंने एक चीज़ देखी है अपने जीवन में, मुझे जिस चीज़ की कमी है अगर मुझे वो मिल जाए तो मेरे लिए उस चीज़ की कीमत ख़त्म हो जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको अपनी एक काल्पनिक कहानी सुनाता हूँ। 2005 में मेरे पापा पहली बार मेरे लिए कंप्यूटर लाए थे। आज तो खैर सबके पास स्मार्टफोन और लैपटॉप्स हैं। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ऐसा लगा कि दुनिया में मुझसे ज़्यादा खुश और कोई है ही नहीं। फिर कुछ समय बाद कंप्यूटर से मन हट गया। जो चीज़ खुशी देती है अब वो खुशी नहीं देती है, मन ने और किसी चीज़ की चाह कर ली। आपके साथ भी जीवन में ऐसा कई बार हुआ होगा, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो मिलने के बाद उसकी कीमत कम हो जाती है। आज के समय में हम बहुत ही व्यस्त रहते हैं और दुखी भी बहुत रहते हैं। जब कोई पूछता है कि कैसा हाल है, लोग झूठी हंसी के साथ कहते हैं, भाई बढ़िया, तू सुना। अपना तो पूछने वाला बढ़िया है और ना बताने वाला बढ़िया है। कोई कोई ही बिरला होता है जो खुश रहता है। मैंने अपने जीवन में एक दोस्त ऐसा देखा जो बहुत ही कम दुखी रहता है, जबकि उसके पास कई बार राशन के पैसे की दिक्कत होती है तो कभी किराए की, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान और काम करने का जज्बा हमेशा रहता है। वो कभी भी बुझा बुझा नहीं रहता, हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। मैंने उससे कारण जानना चाहा तो पता चला कि वो जीवन में आने वाली परेशानियों को दुख नहीं मानता है। हमारे साथ ये दिक्कत होती है कि हम मान लेते हैं कि हम दुखी हैं। अरे जिसके पास सब कुछ है वो भी खुद को दुखी मान लेता है। अरे भाई सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर भी दुखी क्यों? चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है तुम्हारे? ऐसा मुंह बनाए रखते हो कि जैसे कोई मर गया है। अकारण ही दुखी होना भी बड़ी अजीब बात है। कोई दुखी नौकरी के लिए है तो कोई दुखी छोकरी के लिए है। किसी की शादी नहीं हो रही है और किसी की कई शादी हो गई हैं। कोई तलाक लेने के लिए दुखी है। किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं और किसी के बच्चे ही उसे दुख दे रहे हैं। कोई बीमार है, किसी की रोजी रोटी नहीं चल रही है। किसी की सैलरी कम है तो किसी के खर्चे ज़्यादा हैं। ये सब दुख हमारे जीवन में हैं। आज के समय दुख का एक कारण ये भी है कि हमारे ना चाहने वालों के पास सब तरह का सुख आ गया है। बस ये भी दुख का कारण ही है। उसके पास सुख क्यों आया? सुख उसके पास आया है और दुखी हम हो रहे हैं। एक संत भीखा जी लिखते हैं कि दुनिया में कोई भी दुखी नहीं है। ऊपर वाले ने सबको मेहनत से अपना भाग्य निर्माण करने के लिए कहा है, लेकिन हम मेहनत करते नहीं, काम कुछ करते नहीं, कर्म करते नहीं, इसलिए हम कंगाल हो रहे हैं। शुरुआत में मैंने कहा था कि जो पसंद है वो पास नहीं है और जो पास है वो पसंद नहीं है। इसलिए सुखी होने का यही मंत्र है कि जो पास है उसे पसंद करने लग जाओ, तुम अपने आप सुखी हो जाओगे। उम्मीद है आज की ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, इससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ, वहाँ पर हम आपको अच्छी अच्छी बातें शेयर करते रहते हैं, जिससे आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को और बढ़िया बनाएंगे। चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।